नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। पटना मदरसा पर टिप्पणी करने वालों पर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सामने आया है। बता दें कि उनका कहना है कि मदरसों पर टिप्पणी करने वाले पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करे। सरकार में कुछ जाहिल मंत्री बन गए हैं जो कि चवन्नी छाप है, जिन्हें अब बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ जाहिल मंत्रियों के कारण सरकार की खिल्ली उड़ रही है। देखिए, बिहार के कुछ चवन्नी छाप नेता मदरसों पर टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वैसे चवन्नी छाप नेताओं से हमारा आग्रह है कि कम से कम देश का इतिहास पढ़ लें। जिस बिहार में वो मंत्री बन के बैठे हैं, उस बिहार के मुख्य सचिव भी मदरसा के प्रोडक्ट हैं। पंजाब के डीजीपी रहे इजहार साहब भी मदरसे के प्रोडक्ट रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने भी मदरसे में पढ़ाई करी है। और बिहार में जो मदरसे चल रहे हैं वो सरकारी फंड से ही चल रहे हैं। तो आप मंत्री हैं और मदरसों पर ही टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको आप खुद चला रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। तो लानत है आप पर कि आप अपने सरकारी फंड से ही आतंकवाद की पढ़ाई कर रहे हैं। कम से कम टिप्पणी करने से पहले मदरसों का इतिहास पढ़ लीजिए। अनर्गल बयानबाजी करिएगा तो मदरसा वो आसमान है जिस पर अगर आप थूकिएगा तो वो थूक आपके मुंह पर पड़ेगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जाहिल गवार मंत्री जो सरकारी योजना और सरकारी मत से चलने वाले मदरसों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको अविलंब मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। ये लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको बिहार से और मदरसों से, बिहार की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।